Assalamu alaikum dear students, I am your English teacher. Today we will do unit number 4, words, English meaning and Urdu meaning. And the first word is scrap. English meaning unwanted things, Urdu meaning bekar. ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जिसको waste समझ कर हम लोग throw कर देते हैं, उसको कहते हैं scrap. Number second पे है sketch. स्केच का इंग्लिश मीनिंग होता है आउटलाइंस ऑफ पिक्चर्स, यानी खाका खींचना. उर्दू मीनिंग होता है खाका खींचना. नंबर थ्री इज़ गैदर. इंग्लिश मीनिंग टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना. उर्दू मीनिंग होता है इकट्ठा करना. नेक्स्ट वी विल डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट डज ज़ोहा लाइक टू डू, ज़ोहा क्या करना पसंद करती हैं. एंड द आंसर इज़ ज़ोहा लाइक्स टू ग्रो प्लांट्स, ज़ोहा को पौधे लगाना पसंद है या ज़ोहा पौधे लगाना पसंद करती है. क्वेश्चन नंबर टू इज़ व्हाट डू न्यूज़पेपर गिव अस, न्यूज़पेपर हम से हमें क्या हासिल होता है. आंसर इज़ द न्यूज़पेपर्स गिव अस इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर से हमें मालूमात हासिल होती है. वो मालूमात कोई भी हो सकती है, दुनिया से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, बिज़नेस से रिलेटेड, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से और आजकल तो टीवी से भी मिलती है, न्यूज़ से मिलती हैं. सिर्फ न्यूज़पेपर से ही नहीं, न्यूज़ से भी मिलती हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम कहते हैं फ्री टाइम को, फारिग वक्त को. आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं. एंड द आंसर इज़ आई प्ले क्रिकेट इन माय स्पेयर टाइम. क्रिकेट मोस्टली बॉयज़ को पसंद होता है, तो ये जो बॉयज़ होते हैं वो अपने फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. गर्ल्स मोस्टली लाइक करती हैं पेंटिंग या फिर प्लेइंग विद डॉल्स, तो गर्ल्स कह सकती हैं आई प्ले विद माय डॉल्स इन माय स्पेयर टाइम. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़.